ये रियलमी 3 का लेआउट है, ओके, और ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे तो यहाँ पे दो पावर एसी लगी है, एक MD6358, एक MD6370, जिसमें जो आपकी यहाँ पर अगर मैं सेकेंडरी आईसी की बात करूँ तो जो सेकेंडरी आईसी है वो है MD6370, और MD6358 आपकी प्राइमरी आईसी है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके बक लाइन गई हुई है, बक लाइन आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये जो बक लाइन है आपकी, एलडीओ सेक्शन लगा हुआ है, ऑडियो स्पीच लगा हुआ है, ये आपका जो एलईडी ग्राफिक्स आईसी की बात करूँ, वीएस बायस वोल्टेज सिस्टम की बात करूँ, फ्लैश एलईडी की बात करूँ, या चार्जिंग के इनपुट आउटपुट वोल्टेज की बात करूँ, तो ये सारी सेकेंडरी आईसी में दिया हुआ है। स्पीकर ड्राइवर एक अलग आईसी में दिया हुआ है, बैटरी आपकी सेकेंडरी आईसी में जा रही है, जो कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी है। फिर बाकी ये डायरेक्ट जो भी सप्लाई सेम, ये सब सीपीयू में आपको जा रहा है। ये 6.1, ये आपकी वाईफाई आईसी है, और यहाँ पर आपका लगा हुआ है एक आरएफ आईसी, जिसके साथ एक एफईएम फ्रंट एंड मॉड्यूल आपका एक एक ये देखिए। तो ये आपकी फ्लैश एलईडी आईसी जो है 12 बोल्ट की, हाँ, तो ये 12 बोल्ट की आईसी है। और जिधर हम बात करें इन पर, ए टू पर आपके 4 वोल्ट बीपीएच की सप्लाई, जिसका और ए टू और बी वन के बीच में एक बूस्ट कॉइल लगा होगा आपका। ये देखिए जो यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका मैं आपको एक जो लाइट आईसी का 12 बोल्ट का, इसका जो लाइट आईसी है, ये मैं आपको बना के इसको डालूंगा अभी वीडियो, बहुत जल्दी इसका वीडियो आने वाला है। एक एक आईसी के कहाँ पे किस आईसी पर कौन से बॉल पर ईएन सिग्नल आ रहे हैं, सारी चीजें। फिर इसमें मोटरोला है, ओप्पो है, अरे ओप्पो के तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, Realme 1, Realme 2, Realme 3। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा डोंगल होने वाला है, Realme 3 का इसमें डाला हुआ है, कमाल है यार। तो चलिए मैं Realme 3 की बात करूंगा आज। सैमसंग देखेंगे, सैमसंग तो सीरीज में डाल दी है सबसे बेस्ट। अगर मैं बोलूं कि ये किसके लिए बेस्ट है, तो आईफोन के लिए, सैमसंग के लिए, ओप्पो के लिए, तो जे सीरीज को देखें कि किस, और जे सीरीज में J2, J3, J4, J6, J7, सारे के सारे मॉडल दे दिए इन्होंने, सारे के सारे मॉडल। या आपका फोन में डेड है, या आपके फोन में डिस्प्ले नहीं आ रहा, ग्राफिक्स नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रहा, तो ये बताएगा कि किस कॉम्पोनेंट पे आपको डायरेक्ट चेक करना है, किस आईसी पे आपको डायरेक्ट जाना है। तो ये एक तरह से बहुत एक अच्छा काम होने वाला है यहाँ। अच्छा, एलसीएम की बात करें तो ये इसके एलसीएम कनेक्टर के इसकी सारी रीडिंग है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कसम से। और ट्रैकिंग की बात करें तो देखिए कितनी सारी चीजें है, ये इसकी MIPI अगर हम बात करेंगे, हाँ, ये तो ये हो जाता है मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव सी सप्लाई लाइन आती है। तो ये पूरी देखिए, वो सामने ड्यूएल कॉइल लगे होंगे, ऑब्वियस है ये पूरे सीपीयू में जाते हैं। ये I2C लाइन हो गई, तो ये I2C लाइन, सारी लाइनें यहाँ पे दी हुई है, रिसेट की लाइन, ये आपकी 5.7 के वोल्टेज की लाइन। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? हाँ, भी लगा कि प्रॉपर में आप, हाँ दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल है, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम आपका चैनल, और आज मैं बताऊंगा आपको रीट्रैक्स और एक ऑनलाइन स्कीमेटिक डायग्राम सर्विस से, एक तरह से जैसे ZXW होता है, जैसे वूजिंग होता है, जैसे जिंगचाओ होता है, और उसी की तरह से एक एक रिफ्रॉक्स भी आया है, और वैसे ये रीट्रैक्स है, और जो रिफ्रॉक्स है वो मैं आगे आपको अपडेट करूंगा उसके बारे में। इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको जनरली स्कीमेटिक डायग्राम्स मिलते हैं नए नए मोबाइलों के, और उनके लेआउट हैं, और इसमें कुछ ऐप फाइंडर जैसा इन्होंने डाल के रखा हुआ है, मतलब इन्होंने डायरेक्ट सोल्यूशन भी डाल के रखा हुआ है। तो कम्प्लीट वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं या कर रहे हैं, और तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। एक बार मैं बता देता हूँ, कंप्लीट वीडियो देखो और थोड़ी बहुत मेरे को झेलो भी, है ना, मेरी बातों को भी झेलो। पर हो सकता है आपको मैं जो भी बोलता हूँ कि आपके बेटर फ्यूचर के लिए बोलता हूँ, और जितना भी हो सकता है मोटिवेट भी करूँगा और सिखाऊंगा भी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि अगर आपने हमारा एशिया टेलीकॉम यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वॉचर हैं, खाली सिर्फ देखते हैं आ जाते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो फायदा आपको है। आपको अभी मैंने बैटरी फ्यूल कॉच आईसी का सर्किट डाला, अभी मैंने आईफोन से इसका लीकेज का कितना अच्छा है, इसमें मैंने पूरा फंडा बताया, मैंने सिर्फ उसको डायरेक्ट, अब लोग क्या कर रहे हैं स्किप करके सिर्फ देख रहे हैं कि कैसे सर ने हटाया, सर ने ये, मैंने बीच में इतनी सारी इसमें डिस्कस किया है कि किस तरीके से मैं फाइंडर से उसको ZSW से मैंने उसको ढूंढा, क्या क्या हमें और हमें देखना चाहिए, क्या डायरेक्ट मैंने आईसी निकाली कि नहीं निकाली। एक मैंने डिस्प्ले ग्राफिक्स आईसी पे बनाया था 15 बॉल, आपको पूरे यूट्यूब चैनल में 15 बॉल डिस्प्ले ग्राफिक्स आईसी पे जो वीडियो भी मिलेंगे, पर उन्होंने प्रैक्टिकली सिखाया नहीं, किया नहीं, या तो सीधे आईसी उठा के रख दी, यहाँ
मैंने प्रैक्टिकली एक ही बॉल के वाले में समझाया है, वैसे फ्यूल गॉज जो आपके बैटरी चार्जर लगाने पर या ये सब आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट के तो वीडियो हम डालते ही हैं, क्योंकि ये जो एक संस्था है, ये संस्था केवल यहाँ पर सिर्फ रिव्यू नहीं लेती है कि आपको कैसा लगा, यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल जॉब हम स्टूडेंट से करवाते हैं और वही वीडियो दिखाते हैं, और वही वीडियो देखकर हमारे स्टूडेंट काफ़ी उत्साहित होते हैं और आने के लिए यहाँ पर। और मैं बता दूँ जो हमारा बैच का अपडेट है, तो मैं इससे सबसे लास्ट में बताऊँगा, तो वीडियो को जो देखिएगा, जो भी मेरा 28 मार्च के जो स्टूडेंट जो इस बार का बैच नहीं रख पाया कोरोना के चलते, तो 28 अप्रैल में लगेगा या नहीं लगेगा जो भी है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें और इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक आप लोग देते नहीं हो, मतलब आपको अगर आप दूसरों को लाइक नहीं दोगे तो ज़िंदगी में आपको कैसे लाइक मिलेंगे। तो सबसे मेन कंसेप्ट ये है कि दूसरों को दूसरों के लिए आपके दिल में एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव आप नहीं चलोगे और नेगेटिव चलोगे तो कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव तो दुनिया चलती है, उनसे कोई फ़ायदा होना नहीं है, उनका तो नुकसान होना है। एक बंदा अपना सब काम धंधा छोड़ के किसी दूसरे के बारे में बेमतलब की बातें करता है तो उससे उसको कुछ नहीं मिलना। अगर वही चीज़ वो अपने बारे में बात करता है तो हो सकता है उसके घर में दाल रोटी आ जाती है। ये सारी बातें हैं, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे शुरू में सबसे पहले बताता हूँ, ये देखिए आपको यहाँ पर रीट्रेस करके आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो रीट्रेस है ये कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आपको क्या करना है, इस तरह की लिंक होगी, मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे फेसबुक में भी है, प्लीज मेरे फेसबुक में, क्योंकि ऑलरेडी 5 आ रहा है, हालांकि ऐड तो मैं करता नहीं किसी को क्योंकि पर्सनल है, हाँ, बट आप मेरे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं, उसमें मेरे को यही सारी चीज़ें मैं उनको शेयर करता हूँ। तो फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको जितना अपडेट हो सकता है, जितना अभी के टाइम पे कोरोना के चलते हम अपडेट दे रहे हैं एज अ इंस्टीट्यूट, कोई भी इंडिया का इंस्टीट्यूट अपडेट नहीं दे रहा। आप देख रहे होंगे सारे इंस्टीट्यूट के जो वीडियोज़ अभी कोई भी वीडियोज़ नहीं आ रहा है, और अभी हमारे बोलने पर अब हो सकता है वो जाग जाए और आ जाए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये 30 दिन अगर हम 21 दिन अगर घर पर बैठा दिया गया है, क्योंकि ये 21 दिन अगर घर पर बैठा दिया गया है तो वो सिर्फ घर पर बैठ गए, क्योंकि लोग क्या है ना, लोग अपने काम को ड्यूटी समझते हैं। 5, 12, 5 बजे, 8 बजे जाएंगे, कितने बजे भी जाएंगे, और जब 5, 6, 7 बजे घर आ जाएंगे तो बस काम खत्म। अब कोई मोबाइल रिपेयरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, पर हमारे यहाँ तो हमारी तो लाइफ है मोबाइल रिपेयरिंग। तो 24 घंटे में से 22 घंटे मैं सिर्फ इसी सोच में रहता हूँ कि क्या कुछ नया कर सकता हूँ, क्या कुछ नया दे सकता हूँ, ये चीज़ मेरे स्टूडेंट जानते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी जाने, इसलिए मैं पर्सनल ब्लॉगिंग भी चालू मैंने किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, देवेंद्र अग्रवाल मेरे यूट्यूब चैनल पर, चलिए ठीक है। सो आप इस लिंक को जाके क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे, पहले मैं आपको कंसेप्टली बता दूँ कि कैसे इसको आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, क्योंकि गूगल में आप डायरेक्ट डाउनलोड करके टाइप करके करेंगे तो आपको हो सकता है कि कोई फेक लिंक मिल जाए, हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस तरीके का ये मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी इस मेरे वीडियो के लिंक के नीचे, और उसके नीचे आप जाएंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर अच्छा ये जो है ये परचेस, ये पेड है, ये फ्री में नहीं है, बट ये पेड है, आपको ये खरीदना पड़ेगा और बहुत ही सस्ता है दोस्तों, सब सच बताऊं, ये आपको मिल दिख रहा होगा ओनली जो बताऊं 2250 सबसे इंडिया में से कम दाम पे कोई नहीं दे सकता, ये बात आप लिख लीजिए कि इंडिया में से कम दाम पे कोई नहीं दे सकता। ZX मलिक ये नंबर दिया हुआ है, सीधे कॉल लगाओ, नहीं उठा रहे हैं मैसेज करो, सर हमको चाहिए, वो आपको 15 मिनट के अंदर आपको इसकी ID बनाकर आपको जो भी इसका जो प्रोसीजर है वो आपको करके दे देंगे। एटलीस्ट आप अपने घर पे बैठ के नए नए फोनों के डायग्राम्स ओपन कर सकते हैं, जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा वीडियो में देखिएगा ये। सो अब यहाँ पर गूगल और मीडिया फायर की लिंक डाल दिया, जैसे आप इसको टिक करेंगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, चलिए ठीक है। सो अब बताते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले ये ऑनलाइन है, आपको ऑफलाइन काम नहीं करेगा क्योंकि ऑनलाइन काम करता है ये, क्लियरली पेड है ये, और अगर आपके पास में इंटरनेट नहीं है तो ये आपको ओपन नहीं कर पाएंगे आप इसको, क्योंकि ये ऑनलाइन है। तो इससे हमें फायदा क्या मिलने वाला है, इससे हमें डायग्राम्स के बारे में फायदा मिलने वाला है। जैसे अभी मैं देखिए एक मैं यहीं पर बात करता हूँ, ये तो ओप्पो हो गया, चलो ठीक है, ये ओप्पो का ओप्पो A83 मॉडल है। इसका मैं आपको एक जो लाइट आईसी का 12 बॉल का इसका जो लाइट आईसी है ये मैं आपको बना के इसको डालूंगा, अभी वीडियो बहुत जल्दी इसका वीडियो आने वाला है, एक एक आईसी के कहाँ पे किस आईसी पर कौन से बॉल पर ईएन सिग्नल आ रहे हैं, सारी चीज़ें किधर ईएन सिग्नल आ रहे हैं, किधर क्या आ रहा है, कौन सा सप्लाई किधर आ रही है, सारी चीज़ मैं डिटेलिंग करूंगा, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। दूसरी बात,
और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्त, सब्सक्राइब, और जितना हो सकता है शेयर करो, जितना हो सकता है शेयर करो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ साइन इन करनी है, मेरी जो लॉगिंग आईडी और जो पासवर्ड है ऑलरेडी लगा हुआ है। साइनिंग होने के बाद में इस तरह से आपको प्रिपेयर इन टू डाउनलोड फाइल ऐसा आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरह का इसका लुकआउट है, ऐसा ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए कुछ आपको दिखने वाला है, मोबाइल फोन कम्युनिटी टिप्स, बहुत अच्छी चीज है। इसमें भी इन्होंने बहुत सारी चीजें ई लर्निंग में इन्होंने आईफोन के बहुत सारी चीज चैप्टर 1 चैप्टर 2 बूट सेटिंग डाल के रखी है कि कैसे फोन बूट होता है, कैसे इसको बूट अप करना है। टेबल ऑफ कंटेंट भी बहुत अच्छा है इसका, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है किसने बनाया है, कैसे क्या अपडेट है, और ये लैपटॉप के बारे में भी बहुत कुछ इन्होंने डाल के रखा है अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग भी करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मोबाइल फोन में क्या क्या है। तो ऑसुस के ये देखिए कि इतने आपको मॉडल्स मिल जाएंगे, हुवावे के तो बहुत सारे, लगभग मेरे को लगता है कि 60-70% तो डाल के रखे हैं इन्होंने। आईपैड डाल के रखा हुआ है, आईपैड तो सारे हैं इसमें, बट अभी लेटेस्ट जनरेशन के नहीं है। और अगर हम यहाँ बात करेंगे आईफोन, तो इसमें आईफोन एक्स मैक्स तक है इसमें, SX मैक्स तक है इसमें, 11 नहीं है। और बहुत अच्छे सोल्यूशन है, लावा है इसमें, लेनवो है इसमें, बहुत सारे लेनवो के मॉडल मिल जाएंगे आपको, और मेजू है इसमें, मेजू के भी मॉडल्स हैं इसमें। फिर इसमें मोटरोला है, ओप्पो है, अरे ओप्पो के तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, Realme 1, Realme 2, Realme 3। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा डोंगल होने वाला है, Realme 3 का इसमें डाला हुआ है, कमाल है यार। तो चलिए मैं Realme 3 की बात करूंगा आज। सैमसंग देखेंगे, सैमसंग तो सीरीज में डाल दी है सबसे बेस्ट। अगर मैं बोलूँ कि ये किसके लिए बेस्ट है, तो आईफोन के लिए, सैमसंग के लिए, ओप्पो के लिए, तो जे सीरीज को देखें कि किस, और जे सीरीज में J2, J3, J4, J6, J7 सारे के सारे मॉडल दे दिए इन्होंने, सारे के सारे मॉडल। वीवो भी इन्होंने लाइन से दे दिया है, जो वीवो का अगर मैं यहाँ बोलूँ, वीवो Y97, वीवो 75, वीवो Y7, और वीवो के ये सारे मॉडल दे दिए हैं, बहुत बढ़िया है। और साउमी तो खैर पूरे हैं ही इसमें, रेडमी नोट 7A पूरा दिया हुआ है, और ये अपडेट भी होता है दोस्तों। तो बेसिकली इसमें है क्या, तो सबसे पहले मैं आईफोन की बात करता हूँ, उसके बाद में मैं एंड्रॉयड पर जाता हूँ, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आईफोन का सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से ये अपने डायग्राम्स देता है और इसमें क्या क्या है। ओके, चलो आईफोन पे जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। आईफोन एक्स हो गया, आईफोन एक्स हो गया, आईफोन 6 हो गया, चलो आईफोन एक्स उठाते हैं। और देखिए आपको क्या मिलने वाला है इसमें, आपको रिट्रैक्स करके इस तरह का आपको PCB.pad मिलेगा आपको। ये क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, ये डायरेक्ट सोल्यूशन है। डायरेक्ट सोल्यूशन मतलब अगर आपका रिंगर काम नहीं कर रहा, माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा, या आपका फोन में डेड है, या आपके फोन में डिस्प्ले नहीं आ रहा, ग्राफिक्स नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रहा, तो ये बताएगा कि किस कॉम्पोनेंट पे आपको डायरेक्ट चेक करना है, किस IC पे आपको डायरेक्ट जाना है। तो ये एक तरह से बहुत एक अच्छा काम होने वाला है यहाँ पर, उन लोगों के लिए जिनको नहीं आता कुछ भी, तो ये उनके लिए बेस्ट है। पर अगर मेरे को लगता ये है कि अगर इस फील्ड में हो तो सब कुछ आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल है यहाँ माइक के, अगर इसमें क्या क्या दिया है, ऑडियो पूरा सेक्शन डाला है, क्योंकि इसमें माइक्रोफोन की बात करें, लोअर माइक 1, 4, माइक्रोफोन 1, 2, तो इस तरह के इसमें यहाँ पर माइक डाले गए हैं। साउंड स्पीकर, जो दो स्पीकर्स होते हैं, जो साउंड स्पीकर, स्पीकर 2, और LCM की सप्लाई डाली गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साउंड स्पीकर स्पीकर की बात करूँ, जैसे साउंड स्पीकर की बात करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये ऑनलाइन काम करता है। तो सबसे पहले इन्होंने देखिए इस तरह का एक यहाँ पर एक सर्कल बनाया, सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर का एक बना दिया, रेड कलर का ब्लिंक कर दिया। तो सबसे पहले वो यहाँ पर वैल्यू चेक करने के लिए बोल रहा है, तो सब जैसे कि मैंने बताया है कि ये वैल्यू भी बताएगा कि आपको ये चेक करना है कि इतना वैल्यू आपको मल्टीमीटर में आपके डायोड मोड में आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर इसके ऊपर या इससे नीचे मिले। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपका मल्टीमीटर और इनके चेक किए मल्टीमीटर में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, तो ये बात दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप अपने मल्टीमीटर में चेक करो तो आपको रीडिंग कुछ और मिले, और इनके मल्टीमीटर की, क्योंकि इसने अपने मल्टीमीटर में चेक किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि मेरे में तो 500 आ रहा है, इनके में 600 आ रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर ट्रैकिंग आपको दिखाई दे रही होगी, तो ट्रैकिंग में आप जाएंगे तो सबसे पहले इसमें 1, 2, 3, 4 चार इन्होंने ट्रैकिंग यहाँ पे डाल दिए। तो कॉइल सबसे पहले ट्रैकिंग हम देखेंगे, तो पहली ट्रैकिंग हमने देखी, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक पैरेलल में कंपोनेंट और एक सीरीज में कॉइल लगा दी गई है, हम इसको टैप नहीं कर सकते। बस दूसरी ट्रैकिंग में अगर उन्होंने बताया यहाँ पर, तो ये सेम उस लाइन पे भी कुछ कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं। और तीसरी ट्रैकिंग में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर फिर देखिए एक लेयर जो अपर बोर्ड में जा रही है, जैसे अपर बोर्ड में जा रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपने जनरली हो सकता है ये फोन गिर गया हो, गिरने की वजह से ज्यादातर इसके पैड लूज हो जाते हैं, तो ये आपको पैड चेक करना है, और ये पैड में सेम आपको यहाँ पर कोल्ड टेस्टिंग करनी है, और ये चेक करना है कि यहाँ पर रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है।
फिर आपने इसके बाद हम देखेंगे चौथे नंबर पे कहाँ पे क्या हुआ है। अब अगर मैं इसमें और देखूँ कि और क्या डाला हुआ है तो देखते हैं आईफोन 6 में क्या दिया हुआ है, क्योंकि बेसिकली उसमें सारे सोल्यूशन है आज के डेट में। सो आईफोन 6 में आप देखेंगे, देखो मैंने क्या बोला था, सारे सोल्यूशन है तो उसकी लिस्ट भी काफी लंबी है। चलिए इसकी बात करते हैं LCM। मैंने आईफोन 6 का एक LCM, एक मैंने आईफोन 6 का अपने एक स्टूडेंट का एक फोन बनाया है, उसका मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि उसमें बेसिकली क्या बोलते हैं लीकेज था, और वो VCC लाइन भी शॉर्ट थी उसकी, और उसकी IC भी खराब थी, बूस्ट कॉइल भी उसका गलत, मतलब उन्होंने बहुत गलत काम किया था, खराब काम किया था। तो पूरा वीडियो बनाया है, तो वीडियो में आगे अपलोड करूंगा। तो LCM पे जाते हैं। अच्छा LCM की बात करें तो ये इसके LCM कनेक्टर के इसकी सारी रीडिंग है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कसम से। और ट्रैकिंग की बात करें तो देखिए कितनी सारी चीज है, ये इसकी MIPI अगर हम बात करेंगे, हाँ ये तो ये हो जाता है मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव सी सप्लाई लाइन आती है। तो ये पूरी देखिए वो सामने ड्यूएल कॉइल लगे होंगे, ऑब्वियस है ये पूरे CPU में जाते हैं। ये I2C लाइन हो गई, तो ये I2C लाइन सारी लाइनें यहाँ पे दी हुई है, रिसेट की लाइन, ये आपकी 5.7 के वोल्टेज की लाइन दी हुई है, ये आपकी चेस्ट नेस्ट लगी हुई है यहाँ पर, बहुत कमाल की चीज है दोस्तों कसम से। ये मुझे डायरेक्ट सोल्यूशन यहाँ पर देखता है, फेक चार्जिंग, अगर चार्जिंग नहीं होती है फेक चार्जिंग होती है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने बताया है, ये आपका डॉक कनेक्टर हो गया, डॉक कनेक्टर के बाद से ये लाइन पूरी यहाँ पे बताया गया है, ये कॉयल आपको चेक करना है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, एक कॉयल लगा होगा और एक कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज में लगा होता है, वो आपको चेक करना है। पीछे यहाँ पर आपको IC दे दी गई है, एक U2 और एक टेस्टर, जो यहाँ पर IC दे दी गई है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी कुछ दो कॉम्पोनेंट आपको दिए, मतलब बेसिकली, और ये फिर पावर IC, मतलब ये बता दिया गया है कि फेक चार्जिंग नॉट चार्जिंग, इन सारे कॉम्पोनेंट से रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो पहले चेक कीजिए कि शॉर्ट जो भी कॉम्पोनेंट है वो शॉर्ट, जो शॉर्ट होता है वो शॉर्ट तो नहीं है, जो ओपन होता है वो ओपन तो नहीं है, जो लीकेज हो सकते हैं वो लीकेज तो नहीं है। तो ये देखिए उसकी पिन का सप्लाई, अगर मैं आवाज करूँ टेस्टर, तो यहाँ पे देखिए सप्लाई यहाँ पे बताया गया है कि ये यहाँ से कंटिन्यूटी, एक मॉसफेट लगा होता है, ये मॉसफेट से यहाँ से जो वोल्टेज रनिंग करते हैं वो यहाँ पर जाते हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो ये तो रहा आईफोन के बारे में, और भी मैं बहुत कुछ डिटेलिंग कर सकता हूँ, पर ये डिटेलिंग मैं करता हूँ जनरली अपने क्लासेस में और इतने लेवल पे, ताकि स्टूडेंट यहाँ से सीखने के बाद में तरह तरह के डायग्राम्स बनाते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद उनका जो बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ जाता है। दोस्तों मैं सच बताऊं, एक दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो सिर्फ IC लगाना निकालने से और डैड फोन को चालू करने से खुश हो जाते हैं। आपने देखा होगा लोग इंस्टीट्यूट डैड फोन को ज्यादा लेकर फोकस करते हैं कि डैड फोन चालू कर दे, डैड फोन चालू कर दे, पर सच बताओ एक पावर AC लगा देने से, CPU रिवॉल्व करने से, फोन चालू हो जाने से उसकी खुशी बढ़नी नहीं चाहिए, बट उसकी खुशी तब बढ़नी चाहिए जब वो पूरा सर्किट का नॉलेज रखता हो और किसी भी फॉल्ट को फाइंड कर सकता हो, यही सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत से स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनको हमने IC बहुत अच्छा काम सिखा, फिर हमसे वो डिमांड करते हैं सर हमको अब सप्लाई का नॉलेज चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे जिनको हम सप्लाई का नॉलेज देते हैं, फिर वो हमसे बोलते हैं सर हमको IC लगाना है, सर हमको IC लगाना है। तो बेसिकली इसलिए हमारा कोर्स इस तरह के हमने डिजाइन किया गया है, जिसमें हम IC भी चालू मोबाइल से हर स्टूडेंट को निकाल के, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसने चालू फोन से मेरा CPU निकाल के अगर मैं उसको भेजा नहीं है। तो अगर मैं बात करूं अब यहाँ पर ओप्पो की, तो ओप्पो में बहुत सारे मॉडल हैं यहाँ पर, ओप्पो F7, रियलमी 3 की बात करते हैं, ठीक है। अब रियलमी 3 में सिर्फ डायग्राम दिया हुआ है, अगर मैं रियलमी 3 की बात करूँ तो सिर्फ डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। और दोस्तों मैं सच बताऊँ ये फ्री नहीं है, आपको आप इसको फ्री में इसको लॉगिंग भी नहीं कर सकते हैं, आपको इसकी ID आपको चाहिए ही चाहिए, और ये ID आपको मिलेगी जो नंबर आपको शो हो रहा होगा, मलिक ZX मलिक, जो इंडिया में बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि ये कोई दुकान वाले नहीं है, ये कोई किसी प्रकार के कोई इंस्टीट्यूट वाले नहीं है, किसी प्रकार के कोई मोबाइल रिपेयरिंग वाले नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं मोबाइल रिपेयरिंग के होलसेल टूल्स, इनके पास हार्डवेयर इनका सॉफ्टवेयर सब तरह का सामान मिलता है, और ऑलमोस्ट इंडिया के बहुत बड़े बड़े बैनर के नीचे अंदर इंस्टीट्यूट को भी ये अपने सप्लाई करते हैं और दुकानों पर भी सप्लाई करते हैं, और ये डायरेक्ट बल्क लेते हैं चाइना से, इसलिए इनका जो दाम है सबसे कम है, सिर्फ 2,250 रुपये इनका दाम है। तो आप देख रहे होंगे ऑलरेडी यहाँ पे कम है, और इसमें एसर टेलीकॉम का कोई हाथ नहीं है, ना मेरा कोई कमीशन है, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना है, और ये जो मार्केट में इसकी जो वैल्यू होगी वो भी मेरे ख्याल से 150 कम ही होगी। तो देखिए यहाँ पर जो रियलमी 3 में इसका लेआउट दे दिया गया है, ये रियलमी 3 का लेआउट है, ओके, और ये इसका ब्लॉक डायग्राम है।
अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे तो यहाँ पे दो पावर एसी लगी है, एक MT6358, एक MT6370, जिसमें जो आपकी यहाँ पर अगर मैं सेकेंडरी आईसी की बात करूँ तो जो सेकेंडरी आईसी है वो है MT6370 और MT6358 आपकी प्राइमरी आईसी है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके बक लाइन गई हुई है, बक लाइन आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये जो बक लाइन है आपकी LDO सेक्शन लगा हुआ है, ऑडियो स्पीच लगा हुआ है, ये आपका जो LED ग्राफिक्स आईसी की बात करूँ, VS वायर वोल्टेज सिस्टम की बात करूँ, फ्लैश LED की बात करूँ या चार्जिंग के इनपुट आउटपुट वोल्टेज की बात करूँ, तो ये सारी सेकेंडरी आईसी में दिया हुआ है। स्पीकर ड्राइवर एक अलग आईसी में दिया हुआ है, बैटरी आपकी सेकेंडरी आईसी में जा रही है जो कि DC to DC कन्वर्टर भी है, फिर बाकी ये डायरेक्ट जो भी सप्लाई सेम ये सब CPU में आपको जा रहा है। ये 6-1 ये आपकी वाईफाई आईसी है और यहाँ पर आपका लगा हुआ है एक RF IC जिसके साथ एक FEM फ्रंट एंड मॉड्यूल, आपका एक एक कन्वर्टर, एक इसको स्विचिंग आईसी बोल सकते हो आप, इसको PFU बोल सकते हो, उसको कुछ भी बोल सकते हो, इसके साथ एक फिल्टर लगा हुआ है इसके साथ जो RX की लाइन में लगा हुआ है, और ये आपका CPU है SBS MT67 ये 4G का आपका इसका CPU लगाया हुआ है। अगर मैं इसमें सैमसंग की बात करता हूँ और सैमसंग में J सीरीज ओपन करता हूँ और J3 या J4 कोई सा भी एक सेट उठाता हूँ, सो देखिएगा आप इसमें इसमें आपको वो मिलेंगे। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिसमें इन्होंने वो भी डाल के रखे हुए हैं, रिट्रेस भी, जैसे देखो इसमें F7। अब मैं इसको टिक करता हूँ, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग करता हूँ। देखिए सो अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूंगा तो जैसे कि यहाँ पर डिस्प्ले LED बताया गया है, चलिए ठीक है, ये धीरे धीरे अपने आपको अपडेट करेगा दोस्तों। इतने कम दाम में पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो बिकता है मेरे भाई। वूजिंग की बात करूँ वो 3000 के ऊपर है, ZXW 3000 के ऊपर है, फाइंडर 4000 या 3000 के लगभग के ऊपर है, सभी अपने बहुत ऊपर है, ये सबसे कम है, सस्ता है, इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको इस फील्ड में रहना, नहीं तो छोड़ दो ये फील्ड, कोई मतलब की नहीं है इस फील्ड। सो देखिएगा LCD बैकलाइट में तो सबसे पहले यहाँ पर एक दो जंपर बता दिए हैं और बताया गया है कि यहाँ से यहाँ पर इस तरह से जंपर मारना है, ठीक है, इन्होंने सिर्फ इतना खाली सोल्यूशन दिया हुआ है। और अगर हम यहाँ देखेंगे F3 में भी दिया हुआ है ओप्पो का F3 मॉडल, और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर भी मतलब चलो ठीक है यहाँ पर भी इतना सोल्यूशन दिया, हालांकि ठीक है डायग्राम्स मिल रहे हैं, क्या चाहिए, लोग डायग्राम ढूंढते रहते हैं, लेआउट है इसके, रिंगर आईसी हो गई या सारी आईसीओ का इसमें डिटेलिंग मिल जाती है। अब जैसे ये लेआउट हो गया, ये स्कीमेटिक हो गया आपके दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर करना, ये नेटवर्क सेक्शन हो गया पूरा, ये सारे इनके एंटीना स्विचिंग वो आईसी हैं छोटी छोटी, ठीक है, ये वाईफाई सेक्शन है, ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर है, ये आपका सेंसर्स लगे हैं, सेंसर्स आईसी हैं, हॉल सेंसर्स हैं, मैग्नेटिक सेंसर्स हैं, ठीक है, सिम कार्ड दिया हुआ है, सिम कार्ड के आईसी है आपका SD कार्ड, सिम दो सिम कार्ड, ये आपका यहाँ पर बताया हुआ है, कैमरा सेक्शन है, कैमरे के यहाँ पे MIPI के ड्यूअल कॉइल्स लगे हैं, दो LDO लगे हुए हैं और मेन कैमरे के LDO बताया है, फ्लैश LED ड्राइवर IC है, बहुत अच्छा है ये फ्लैश LED ड्राइवर IC की बात करते हैं, चलो कितने बोल के कितने लाइक की IC है और कहाँ लगी हुई है ये भी बात करते हैं। तो चलो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि फ्लैश LED IC जो है ओप्पो F3 में किधर लगी हुई है, तो ये है U2601। सो आपको U2601 यहाँ पर जूम करना है, कंट्रोल प्लस F दबाना है और लिखना है U2601 और एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये आईसी यहाँ पर फ्लैश हो रही है, ये देखिए तो ये आपकी फ्लैश LED आईसी जो है 12 बॉल की ना? तो ये 12 बॉल की आईसी है। और जिधर हम बात करें इन पर A2 पर आपके 4 वोल्ट BPH की सप्लाई, जिसका और A2 और B1 के बीच में एक बूस्ट कॉइल लगा होगा आपका, ये देखिए जो यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल, ये जो आपको दिख रहा है ना L2601। और यहाँ पर हम बात करें B2 स्ट्रोब, मतलब ये स्ट्रोब होती है कैमरा फ्लैश LED का जो सिग्नल होता है जो सप्लाई होती है, HDMI I2C लाइन भी इसमें दी हुई है, EN सिग्नल आ रहे हैं C2 पर और C1 आउट है, तो C1 एक तरह से आउटसाइड कैपेसिटर है, रेफरेंस कैपेसिटर है। और D3 को इन्होंने
पैलेट डाला हुआ है। तो अच्छा ये एलईडी है, दो एलईडी लगी हुई है इसमें, तो ये D1 और एलईडी। अच्छा ये आपकी एनओडी की लाइन पर जा रही है, आपकी एनओडी की लाइन पर जा रही है और बेसिकली कैथोड को इन्होंने ग्राउंड किया हुआ है। क्या चाहिए दोस्तों अभी, क्या आपके फोन में फोन अगर प्रॉब्लम आ रही है कि टिप टॉर्च जल रही है या टॉर्च नहीं जल रहा है या कैमरे के टाइम पे लाइट नहीं जल रही है या फिर आपका फोन में बैटरी लगाने से लाइट जल जाती है, तो ये सर्किट को चेक करने का, ये सर्किट से ही पावर एसी में जाएंगे, डायरेक्ट पावर एसी को कुछ नहीं करने का। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। ऐसे तो मैं बहुत सारे वीडियो को बहुत लंबा कर सकता हूँ और बहुत कुछ समझा सकता हूँ, इसलिए बोलता हूँ समझाना कि एक बार, सिर्फ एक बार घर से निकलो, कोर्स ज्वाइन करो और आपको खुद अच्छा लगेगा। ये सब डायग्राम आइग्राम पढ़ना सब बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे, हमारे सारे ग्रुपों में सब बहुत अच्छे से बताया जाता है। और ये चैनल देखो, एक और चैनल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देवधन अग्रवाल आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा। ये चैनल पे जाइए, इस चैनल पे भी मैं बहुत सारे वीडियो, देखो कल मैंने एक रेडमी Y1 का नोट सर्विस का एक ये वीडियो डाला था। इस वीडियो में हमने नहीं, हमारे स्टूडेंट ने, जो कि कोरोना के इस समय जब सब बंद करके लोग बैठे हुए हैं, सारे टीचर अपने आप को लॉक करके बैठे हुए हैं, ना अपने स्टूडेंट को अपडेट दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। आप बताइए आप किस इंस्टीट्यूट के हैं, आप बताइए कि आप कितना अपडेट पा रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि आपको कितना अपडेट आपको मिल रहा है। मेहनत करो भी एक अलग बात है, पर अपडेट करना भी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हमारा स्टूडेंट ने डाला हुआ है देखिए, और आखिरी में उसने अपनी शॉप भी बताई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पूरा नेटवर्क बना के इसको डाला हुआ है दोस्तों, ये देखिए आखिरी में ये देखिए बता रहा है कि पूरी शॉप बंद पड़ी हुई है, शॉप के अंदर, क्योंकि इसका घर और शॉप अंदर ही है तो इसलिए ये काम कर पा रहा है, नेटवर्क फुल है। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहे इसी तरह, चैनल को अपडेट करते रहे और कुछ सीखना है तो मेहनत करो और मेहनत के साथ खाली मत बैठो। कोरोना है, सब पूरी दुनिया झेल रही है, आप सिर्फ आप अकेले नहीं झेल रहे हो, मैं भी झेल रहा हूँ। तो सब आपके अपने, अगर आपने पहले ही सोचा होता कि मैं तो टेक्नीशियन हूँ, मैं तो सिर्फ 8-10 घंटे का जॉब करूंगा, तो फिर आप इस टेक्नीशियन नाम छोड़ दो, ये आपके लायक नहीं है, आप इसके लायक नहीं हो। अगर तुम ये सोचोगे ना कि मैं 24 में से 24 घंटे काम करूंगा तो तुम इसके लायक हो। अगर आप मेरे सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। साथ में है 28 दिसंबर का बैच, और सबसे पहले मैं यहां शुरुआत करना चाहूंगा कि यहां पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए, 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहां सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए, यहां पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा हाथ नीचे कीजिए, आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को, एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किस ने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने चार बार किया, तीन बार। अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड, 7 बार, वेरी गुड, 2 बार सर, 2 बार, 3 बार, 2 बार सर, 2 बार। जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज, 3 बार, 6 बार, 6 बार किया आपने, 6 बार किया है सर, 4 बार, 4 बार किया है, वेरी गुड, 2 बार सर, इसमें से 2 बार, तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल, कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे, बिल्कुल आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है। सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है, सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, आप उनमें से आप लोग हट रहा, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है, यस सर भी बोलना है बात, ठीक है। अच्छा ठीक है, चेहरे के लिए आप किन किन ने 1 टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर 1 टाइम सीपीयू निकाल के, अब एक बार अपने नंबर बता देना कि इन्होंने एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो कौन कौन ने ज्यादा किया है, एक बार नंबर बोल दो अपना, 8 बार बैठे रहकर, 8 बार, 8 बार किया तुमने, 3 बार सर, 3 बार, 2 बार, 2 बार, नंबर बोलते रहो, 2 बार सर, 2 बार, नंबर बोलते रहो बस, 14 बार सर, 14 बार, क्या बात कर रहे हो इतना, 2 बार किया, ये फेक तो नहीं बन रहा है, बताओ, 3 बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है। कौन कौन लोग है जिन्होंने रिबॉलिंग आती है, जिनको हाथ उठाइए, जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, चलिए ठीक है हाथ नीचे के लिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया, हाथ उठाइए,
तो यहाँ पर सबने चालू किया, यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में, अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो आप, 30 दिन की क्लास है और आपने सिर्फ 5 दिन में बता रहे कि आपने किया, किसने एक से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए, 5 बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया, मैंने 6 बार सर, 5 बार 7 बार बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ, 3 बार 5 बार 4 बार 2 बार 6 बार 5 बार 5 बार 3 बार 2 बार तो यहाँ पर आप लोग ने 2 बार तो 4 बार यहाँ पर, ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर के डायग्राम के। अच्छा किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा, मुझे बताओ, सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिस जिस जिसका हमने एन आईएसओ 9001 एंड 2008 सर्टिफाई इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट कॉल फॉर एडमिशन 9644139972 डाउनलोड मोबाइल फ्री रिपेयरिंग एंड्रॉइड एप्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन। An ISO 9001 and 2008 Certify Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.